दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं क्या करनी है, इनमें समावेशन करना है। यहां पे देखो, दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में, जैसे यहां पर एक परिमेय संख्या एक बटे दो और दूसरी है 3/4, दिख रहा है ना। अब इस इनके बीच में, इनके बीच में बहुत सी अनेक परिमेय संख्याएं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी देखो, बताते हैं करके। हम इसी को करके दिखाते हैं आपको। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, अनंत परिमेय संख्याएं निकलती है। इसको आप मान लो ए, क्या मान लो, इसको मान लो बी। एक फार्मूला लगाना है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। फार्मूला यह है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई एक परिमेय संख्या निकालनी है, हम मान लेते हैं उसको हम आर वन कहेंगे, आर से रेशनल, वन से पहली परिमेय संख्या बीच की, तो फार्मूला रहेगा ए प्लस बी बटा दो। इतना याद रखो, ए कौन है, ये है पहली वाली परिमेय संख्या, बी कौन है, ये। इस फार्मूले में रख दो, चट से हो जाएगा। इस फार्मूले को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर वन बराबर एक बटे दो, ब्रेकेट में लिख दो ए प्लस बी। चाहे ये वाला आपको अच्छा लगे तो इसको तैयार रखो, ये वाला अच्छा लगे तो इसको तैयार रखो। ऊपर वाला सही है, करने में ये वाला आसान लगेगा। चलो ठीक है, अब देखो पहली परिमेय संख्या हम इन दोनों के बीच में निकालने जा रहे हैं। एक ही जगह कितना लिखेंगे, एक बटे, पहले तो सूत्र का हम एक बटे दो लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर ए है ना, यहाँ पे ए है ना। एक ही जगह क्या लिखेंगे, एक बटा दो, प्लस है, प्लस लगा दिया। बी की जगह क्या लिखोगे, 3/4। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, बराबर एक बटे दो, तो ये फार्मूले वाला है ही है। इसको हल करोगे, 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 3 = 6, 6 और इधर 4 ना, 6 × 4 = 10 और नीचे 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 ऐसे समझो, 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 3 = 6 और नीचे 4 × 2 = 8। अब अगर जोड़ोगे इन दोनों को तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 1/2 इधर है ही है, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 10/8। हल कर लो, 2 × 5 = 10, अब क्या मिला, 5 × 1 = 5 और बटे यहाँ क्या बच रहा, 8। मतलब इन दोनों के ठीक बीच में जो मिली है, ठीक बीच में एकदम नाप के, यहाँ पे पहली परिमेय संख्या मिल गई है, इसका नाम क्या है, 5/8। अभी हमने दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाली है, इसके इसके और इसके बीच में अब एक और निकालने जा रहे हैं। अब बताओ, इसके इसके बीच में निकालूं कि इसके इसके बीच में निकालूं, दोनों के बीच में निकाल सकता हूं ना, किसके बीच में निकालूं, इसके इसके कि इसके इसके, इसके इसके। अब की बार ए इसको माने थे ना, बी इसको माने थे ना, अब की बार बी इसको मान लो, ठीक, बिल्कुल यही तरीका लगाओगे। मान लो आर टू निकालने जा रहे हैं, दूसरी परिमेय संख्या, क्या करोगे, इन दोनों को भाई यही फार्मूला लगाना है, 1/2 ए प्लस बी, ए कितना है 1/2 और बी कितना है 5/8। हल कर लो, 1/2 ये 8 × 1 = 8 प्लस 2 × 5 = 10 और नीचे 8 × 2 = 16, क्या हो जाएगा, ये 1/2 10 और 8 कितना हो गया 18 और बटे कितना है 16, 2 × 9 = 18 है ना, क्या मिलेगा 9/16। ये किसके बीच की संख्या है, यहां और यहां के बीच की, यहां की मिली है, यहां क्या मिली 9/16। दूठी निकाल चुके ना हम, इन दोनों के बीच में निकाल रहे थे, दो ठी निकाल चुके। अब अगर हम चाहें तो इसके और इसके भी बीच में निकाल सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला वही रहेगा। चाहे तो हम इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं यहाँ पे, फिर इसके और इसके बीच में यहाँ निकाल सकते हैं, फिर इसके और इसके बीच में यहाँ निकाल सकते हैं,
फिर इसके और इसके बीच में यहां निकाल सकते हैं, फिर इसके और इसके बीच में यहां निकाल सकते हैं, निकालते चले जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो। इसीलिए सवाल भी जब आएगा तो ज्यादा नहीं कहेगा, कहेगा तीन परिमेय संख्या निकालो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में चार परिमेय संख्या निकालो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्या निकालो, बस बता देगा तीन ठी निकालो चार ठी निकालो। ये भी बात है पक्की, समझ लो। जैसे हमने पहली बार जो परिमेय संख्या निकाली थी दोनों के बीच की, ये मिली थी ना, दोबारा में हमारी ये मिली थी ना, कोई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा में हम इनके बीच की ना निकाल के इनके बीच की निकाल लिए होते तो जो ये आया है क्या जरूरी था कि यहां आता ना, था ना, तो उससे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों उत्तर सही माने जाएंगे। भाई हमने इनके बीच में निकाल लिया और उसने इनके बीच में निकाल लिया, है ना, लेकिन निकाला तो, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है तो फिर कोई यहां से निकाला है कोई वहां से निकाला है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो भी परिमेय संख्याएं ये बीच में आएंगी, इतने बीच में, वो सभी एक बटा दो से बड़ी होंगी और तीन बटा चार से छोटी होंगी, क्योंकि इनके बीच की हैं, इनके बीच की हैं, तो पक्की बात है एक बटा दो से बड़ी होंगी और तीन बटा चार से छोटी होंगी। अगर किसी का उत्तर सही या गलत चेक करना हो तो सिर्फ यही आप देख सकते हो कि जो उसने उत्तर निकाले हैं कहीं वो एक बटा दो से छोटा तो नहीं निकाल दिया है, एक बटा दो से बड़ा होना चाहिए अगर बीच का है तो, और तीन बटा चार से बड़ा तो नहीं निकाल दिया है, छोटा ही होना चाहिए क्योंकि इसके और इसके बीच का मामला है, तो इससे ज्यादा होगा और इस वाले से कम होगा, ठीक है।